कंट्रोल बढ़िया है सब, एकदम जबरदस्त है कंट्रोल, मजबूती बहुत है, मजबूती बहुत है टायरों की, यहीं जाम हो रहे हैं एकदम से। किसान साथियों ये है कुबोटा का मिनी ट्रैक्टर, इसके ऊपर टायर एडजस्टमेंट हुई है। जय हिंद किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल भारतीय खेती पर आपका स्वागत है। ये कुबोटा का मिनी ट्रैक्टर है A211N। आज की जो वीडियो है इसमें जो है हम बता रहे हैं किसान साथियों के कि जो किसान साथी फसल उगाते हैं, जिस फसल में वो स्प्रे करना चाहते हैं अंदर बढ़ करके, जो ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर होते हैं टायर उनके बड़े होते हैं उस पर नहीं कर पाते, और ई गिधाने का इशू रहा है, जो इशू हैं ये इस तरह के जो फसल में बढ़ने के बाद आपको करना होता है काम, उसके आपकी समस्या यहाँ दूर कर दी है अशोका इम्प्लीमेंट मंडी धनौरा जिला अमरोहा में, जहाँ पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ अक्सर, वहाँ पर आए हैं हम। तो आप अब आपको पूरी डिटेल देंगे, हमारे साथ जुड़े हैं जो इसके बारे में एक्सपर्ट हैं, इन ट्रैक्टरों के बारे में किस तरह से काम करते हैं। हाँ जी, पहले बताइए ट्रैक्टर के बारे में और इसकी जो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, ये किसी भी ट्रैक्टर पर ये पहिए फिट हो सकते हैं। ये सब आपकी डिमांड के हिसाब से है कि ये 650 mm का चाहिए, 400 mm का चाहिए, 700 mm का चाहिए, मतलब 1600 mm तक का पहिया आता है इसमें, जो साइज छोटे बड़े हो जाते हैं वो साइज सारे हम लोगों पर अवेलेबल रहते हैं। इसका सबसे बड़ा काम ये है, सबसे ज़्यादा काम ये है कि जितनी भी फसलों के अंदर हमें ट्रैक्टर चलाना है, चाहे वो गन्ने की फसल है, चाहे वो पीपरमेंट की फसल है, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो धान है, ये पहिया उसमें से आपके पाँव के चौड़ाई के बराबर इस पहिए की चौड़ाई है जी। जितना चौड़ा आपका पाँव है उतना चौड़ा इसके पहिए की चौड़ाई है। बात रही इसके काम की, ये इतना हैवी ड्यूटी है कि जितना आप भरी ट्रॉली गन्ने की 30 क्विंटल की, इसे लेकर आप सड़क पर चल सकते हैं इन टायरों के साथ। मजबूती दिख रही है इनके, वो खेत में चल सकते हो, सड़क पर चल सकते हो, ऐसा नहीं है कि टायर पतला हो गया, छोटा हो गया तो ये कम मजबूत हो गया, ये हवा भरा और टायर वाले टायर से भी ज़्यादा मजबूत है। बात रही हाइट की, हम इसे कम बढ़ती छोटा बड़ा और कर सकते हैं, अभी हम इसे और भी बड़ा टायर कर सकते हैं, इस ट्रैक्टर की हाइट अभी हम ऊँची कर सकते हैं, बहुत ऊँची कर सकते हैं, जितनी आप चाहते हो उतनी ऊँची हो सकती है। ये पहिए सब साइजों में लेके 400 mm से लेके ये 2100 mm तक के पहिए आते हैं, जो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, और कोई सी भी कंपनी का ट्रैक्टर छोटा या बड़ा उस सब में ये पहिए लग जाते हैं। जैसे मैं इसका एक और ट्रैक्टर दिखाता हूँ, दूसरा किसान साथियों ये दूसरा ट्रैक्टर है, ये बड़े 45 है ये, इसमें भी हमने पहिए फिट किए हुए हैं। ये फसल नष्ट ना हो उसके लिए ही मेन पर्पस ये है, मतलब फसल को बढ़ाने के ग्रोथ के उस पर्पस से काम होते हैं। इस पहिए को 1.5 साल हो गया मुझे चलाते चलाते, 1.5 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है पहिया। लोड का कोई इशू तो नहीं? लोड पूरा कुछ नहीं जी, ट्रॉली भर के बिल्कुल बढ़िया करके ट्रॉली भर के घूमता है पहिया। और थोड़ा ये बताइए कि आपने टायर जो मंगाया कहाँ से है? ये इटली के बने हुए होते हैं, चाइना में भी बनने हैं लेकिन हम लोग इटली से मंगवा रहे हैं। अच्छा, चाइना का माल कौन खरीदता है? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ चाइना का माल घटिया तो होता ही है औरों के मुकाबले। किसान साथियों आप देख सकते हैं मजबूती इसकी बेहद, आप देख लीजिए किस तरह से है। इन पहियों को लगा के हमने गंगा मेले पर 3 ट्रॉली ट्रैक्टर के पीछे लगा के भेजा था, गंगा मेले पर 3 ट्रॉली के पीछे लगाई थी, एक साथ इसी ट्रैक्टर में 3 ट्रॉली बांधी थी और रेत वगैरह में सब निकाल के आराम से ले गया, आराम से ले गया। देखो मजबूती तो है, वो दिख रही है दूर से ही, वो तो है, पर मेन इशू है किसान साथियों, अगर आप गन्ने की खेती करते हो या किसी फसल को आप जो बीच में जगह छोड़ करके बोते हो, जिसके बाद में स्प्रे करना हो, आपको आलू हो गया आपका, इस तरह की काफ़ी खेती है जिसे जिसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मंडी धनौरा जिला अमरोहा, मैं आप अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ वहाँ पर, ये वहाँ पर स्थित है, आप अगर के यहाँ ले सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।